वेलकम बैक गाइस, आज हम खेलने वाले हैं एक न्यू गेम। जिस गेम का नाम है कंस्ट्रक्शन साइट, जिसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन साइट के डिफरेंट टाइप के लेवल्स हैं। इसमें हम कोई भी लेवल कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए, फ्रंट लिफ्ट मोड, एक्सक्यूटर मोड, मैनुअल एक्सक्यूटर, लोडर मोड, काफ़ी सारे हमारे पास मोड है। और हमने ये सिलेक्ट कर लिया है एक लेवल, और हम इसमें आगे मूव करेंगे। ये है हमारी पोकलैंड, जिससे हमें लेकर जाना है अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर, और कुछ वर्क कंप्लीट करना है। डिफरेंट कलर्स हैं इस पोकलैंड पर। हम ये येलो ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेंगे और इसी के साथ आगे प्ले करेंगे। ये कलर काफ़ी सही रहेगा वर्क करने के हिसाब से। और ये यहाँ पर छोटे छोटे स्टोन्स पड़े हुए हैं, हमें इसे लोड करना है जो ट्रैक खड़ा हुआ है इस पर। ये इसके कंट्रोलर हैं ये तीनों, इसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। हम इसे फटाफट लोड करते हैं। ये हमने एक बार स्टोन्स को उठा लिया है, अब हम इसे मूव करेंगे पोकलैंड को ट्रक के साइड, ट्रक में लोड करेंगे। हम इसे और ऊपर उठाएंगे, भीड़ रहा है शायद, और मूव करेंगे पोकलैंड को ट्रक की तरफ। अब यहाँ पर लोड कर देंगे, ट्रक के ऊपर डालेंगे स्टोन्स। काफ़ी ज़्यादा स्टोन्स नीचे गिर रही है, हमें इसे कंट्रोल करना होगा। 14 स्टोन्स यहाँ पर लोड हो गई, हमें 25 फाल टोटल लोड करना है। हम दोबारा से एक बार और ओकलैंड से ये स्टोन्स उठाएंगे, फिर से इसे नीचे करेंगे, इसके कंट्रोल करके उठाएंगे स्टोन्स। इस बार उठाकर डालेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टोन्स नीचे गिर रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। इस बार हमने लोड करके 25 कंप्लीट कर दिया। अब हमें ये ट्रक पहुंचाना होगा कंस्ट्रक्शन साइट के पास। अब हम दोबारा से इसे दो स्टोन्स और लोड करके, क्योंकि 23 और 25 करना है, इसके बाद इस ट्रक को लेकर चलेंगे सीधा कंस्ट्रक्शन साइट पर। फिर देखेंगे आगे क्या लेवल होता है। इसे लोड करेंगे काफी आराम से, इसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं गेम को प्ले कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने ऐसे गेम्स प्ले किए नहीं थे। अब यहाँ पर हम इसे नीचे करेंगे, ये नीचे कर दिया, और यहाँ पर 25 कंप्लीट। अब हम ट्रक लेकर जा रहे हैं सीधा कंस्ट्रक्शन साइट पर, जहाँ पर हमें इस ट्रक को लोड जो किया इसे अनलोड करना है। इस ट्रक को हमें डिलीवरी करनी थी स्टोन्स की, जाएंगे कंस्ट्रक्शन साइट में, इन स्टोन्स की डिलीवरी करेंगे। हमें इधर लेफ्ट टर्न करना था, हमने लेफ्ट टर्न कर लिया है। यहाँ से सीधे जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है ट्रक में, ना ही कोई भी स्पीड का मीटर है, कुछ ऐसा नहीं है। सिर्फ कंट्रोलर है हमारे पास, एक ब्रेक है, एक एक्सीलेटर है, एक रिवर्स के लिए हमारे पास है ब्रेक टाइप का ही। यहाँ चढ़ाई में काफ़ी धीमी हो गई हमारी गाड़ी, हमें इसे तेज़ी से आगे चढ़ाना होगा। काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ पर। ये रही कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ पर हमें ये स्टोन्स को अनलोड करना है। हम यहाँ पर ले जाएंगे ट्रक को और पार्क करेंगे इस इंडिकेटर के ऊपर, फिर इसे हमें बैक करना होगा। अब यहाँ पर पार्क करेंगे, इसे अनलोड करने के लिए कह रहे हैं, अब हम इसे अनलोड कर देते हैं। हमने इसे अनलोड कर दिया, और यह है हमारा नेक्स्ट वर्क। हमें पोकलैंड से ये स्टोन्स, इस ग्रीन बॉक्स से जो ग्रीन कलर का सिग्नल दिख रहा है, यहाँ पर हमें डालने हैं, जो कि 20 स्टोन्स हमें डालने हैं। स्टोन्स डालना स्टार्ट करेंगे, हमने एक बार में 11 स्टोन्स, काफी सारे स्टोन्स डाल दिए हैं। ऑल टोटल हमें 20 स्टोन्स यहाँ पर डालने थे, हम एक बार और ट्राई करेंगे। फिर से यहाँ पर स्टोन्स डाल देंगे,
इस बार वर्क कंप्लीट कर दिया, हमें फिर से इस ट्रक को लोड करना है। इस बार फिर से हमें 25 स्टोन्स ही लोड करने हैं इस ट्रक पर। इसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है इस पे, क्योंकि 3 कंट्रोलर है, एक से ये आगे पीछे होता है, एक से ये उठता है, एक जो नीचे छोटा सा जिससे हम स्टोन्स उठाते हैं ये मूव करता है, इस वजह से थोड़ी ज्यादा दिक्कत होती है। एक बार में ही हमने 25 स्टोन्स लोड कर दिए थे ट्रक पे, ये बड़ा रिकॉर्ड था। इस बार हमें जो गड्ढा है यहाँ पर स्टोन्स डालने हैं, 35 स्टोन्स हमें यहाँ पर डालने हैं। काफी आराम से कंट्रोल करके हम यहाँ स्टोन्स डालेंगे। एक बार में 17 स्टोन्स हमने यहाँ डाल दिए हैं, 35 डालने हैं हम। एक बार और यहाँ से स्टोन्स लेंगे। ओ ये बैक हो गया गलती से, फिर से इसे आगे लाएंगे। अब हमने काफी स्टोन्स खा लिए हैं, बस स्टोन्स नीचे ना गिरे। अगर स्टोन्स नीचे नहीं गिरते तो हम एक बार में ही 35 स्टोन्स कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि 17 ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम इसे थोड़ा दूर कर देते हैं ताकि ये पूरी तरह से गड्ढे के अंदर हो जाए। और इस बार हमने कंप्लीट कर दिया। हमें यहाँ पर 45 स्टोन्स डालने हैं, जो कि यहाँ से हमें स्टोन्स उठाने हैं। फिर इसके बाद पोकलैंड लेकर जाना है, वहाँ उस गड्ढे के पास, वहाँ पर डालकर आना है। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टोन्स उठा लेंगे। इस बार कंट्रोलर थोड़ा अलग है, हमारे पास एक्सीलेटर भी है, ब्रेक और पोकलैंड कंट्रोल करने के लिए भी सभी इक्विपमेंट्स हैं। तो मूव कर रहे हैं गड्ढे की तरफ, वहाँ पर हमें स्टोन्स डालने हैं। 45 स्टोन्स ऑल टोटल हमें यहाँ पर थ्रो करने हैं। तो हम यहाँ पर स्टोन्स डालेंगे, नीचे डाउन मूव करेंगे, उसे नीचे कर देंगे, नीचे नहीं अप साइड हमें करना था, हमने गलती से इसे नीचे कर दिया है। और 13 स्टोन्स हमने एक बार में यहाँ थ्रो किए हैं, बगल में हम यहीं पर पार्क कर लेंगे पोकलैंड। यहाँ से ही हम आराम से स्टोन्स उठा लेंगे, ऐसे भी मूव हो जाती है, देखिए यहाँ से स्टोन्स उठा सकते हैं। एक भी स्टोन्स हम नहीं उठा पाए हैं, वापस इसे सीधा करना होगा। से काफी दूर करके मुझे पीछे से खींच कर स्टोन्स उठाने होंगे। पोकलैंड पूरा हिल रहा है लेकिन स्टोन्स हम नहीं उठा पा रहे हैं। इस पर हमने फाइनली स्टोन्स उठा लिए हैं, जो कि काफी सारे स्टोन्स भी हैं। वापस हम पोकलैंड को सेट करेंगे सही से। मूव कर गया पोकलैंड अपनी सही जगह पर। अब हम गड्ढे की तरफ मूव करते हैं जहाँ पर हमें स्टोन्स थ्रो करने हैं इस प्लेस पर। ओ हमारा पोकलैंड यहाँ पर फंस चुका है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर स्टोन्स थ्रो कर देंगे, इसके बाद ही हम यहाँ से बाहर निकालेंगे अपने पोकलैंड को। देखिए बैक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पोकलैंड जरा भी पीछे नहीं आ रहा, एक्सीलेटर भी नहीं काम कर रहा है यहाँ पर। सबसे पहले स्टोन्स डाल देंगे, 23 स्टोन्स कंप्लीट कर दिए हमने, क्योंकि 45 करने हैं। अब हम इसे नीचे करेंगे, कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, ना ही ब्रेक एक्सीलेटर कुछ भी नहीं। सबसे पहले हम इसे नीचे करेंगे ज़मीन पर। अब हम बैक कर लेंगे आसानी से और ये बैक हो भी जाएगा। ये देखिए एकदम आसानी से
पोकलैंड हमारी बैक हो गई है। ऐसे ही यहाँ पर जब वर्क चलता है कंस्ट्रक्शन साइट्स में, तब मशीन जो भी फंस जाती है उन्हें निकाला जाता है। वही मैंने भी यूज़ किया और हमने पोकलैंड को अपनी बाहर निकाल लिया। फिर से काफ़ी दिक्कत हो रही है हम लोगों को स्टोन्स उठाने में, लेकिन काम तो कंप्लीट हमें करना ही होगा। बहुत ही कम स्टोन्स हमने यहाँ से उठाए हैं, इतने कम स्टोन्स लेकर नहीं जा सकते हम लोग। इस बार काफ़ी पीछे से ज़्यादा स्टोन्स खींचेंगे आगे तरफ। पूरा पोकलैंड आगे से उठ गया है, लेकिन स्टोन्स अभी तक नहीं हम पिक कर पाए हैं। बहुत ही कम स्टोन्स हमारे पोकलैंड में आए हुए हैं, लेकिन इतने स्टोन्स लेकर फिलहाल चलते हैं हम। आगे स्टोन्स आ नहीं रहे, यहाँ पर थ्रो कर देंगे जो भी स्टोन्स हैं हमारे पास। इसे यहीं पर थ्रो करेंगे। एक भी स्टोन्स नहीं था जो हम स्टोन लेकर आए थे वो रास्ते।